आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा रखी है, जिसके चलते रविवार को दिल्ली से जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टीम एसएन मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति विभाग पहुंची। इस दौरान टीम के साथ कोविड 19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर पीयूष जैन उनके साथ मौजूद रहे। हम इस समय मौजूद है स्त्री प्रसूति विभाग एसएन मेडिकल कॉलेज पर, जहाँ पर हमारे साथ प्रशांत जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम है, जिसके बारे में जानकारी देंगे। क्या कुछ मामला रहा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये हमारी कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी है 100 बेड। उनको ये जानकारी चाहिए थी कि यहाँ से यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार काम चल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी उनको चाहिए थी। तो जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वो हमने अक्षरशः उनको दे दी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कार्य चल रहा है वो चल तो सारा कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से रहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हो। टीम क्या किस तरह के कुछ दिशा निर्देश भी दिए टीम ने? टीम ने दिशा निर्देश बस यही दिए हैं कि जो गाइडलाइंस आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ये उनके दिशा निर्देश थे। और उन्होंने कुछ हमसे इनपुट्स भी मांगे थे जो उनको हमने दिए हैं। अब तक कितने मरीज की बात करें अगर आ चुके हैं यहाँ पर इस समय? हमारी फैसिलिटी में इस समय प्रेजेंट में 52 पेशेंट हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत, जिन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई है उन्होंने इन्फेक्शन मतलब निरीक्षण किया और जानकारी ली, और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनका अच्छे से पालन हो सके। कैमरा पर्सन रामेश्वर के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।